हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी, जो कि बनाना बिल्कुल ही आसान है। एक्चुअली कल क्या हुआ ना कि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे और मैंने उन लोगों के लिए बनाया था चिकन, लेकिन लास्ट टाइम में पता चल रहा है कि उसमें से कुछ लोग हैं जो चिकन नहीं खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख ले रहे हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम तेल ले लेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें 2-4 लाल मिर्च को डाल देंगे और साथ ही एक बड़े साइज के प्याज को स्लाइसेस में कट करके हम डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, लेकिन उसी बीच में हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और अदरक को तोड़ करके। तो गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। यहाँ दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची लिया है हमने और एक टुकड़ा अदरक जिसे तोड़ लिया, इसे भी हम डाल देंगे तेल में और प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा और थोड़ा सा गोल मिर्च, उसे भी भून लेंगे। और वही तो मतलब चिकन हम बना दिए थे सबके लिए, तो फिर बाद में पता चला कि उसमें से कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो फिर चावल और रोटी तो था ही और साथ में हम सोचे कि चलो थोड़ा थोड़ा सब्जी पड़ा हुआ है तो मिक्स वेज बना देते हैं। तो बस मिक्स वेज जो है वो फटाफट से रेडी होने लगा। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे गोभी। गोभी आप अपने मतलब जितना मात्रा में सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से काटिएगा। यहाँ 2 गाजर है, उसको भी हम चौकोर चौकोर टाइप से काट लिए हैं। आधा टुकड़ा शिमला मिर्च था, थोड़ा सा मटर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले भून लेंगे। इस तरीके से सब्जियों को फ्राई कर लेने से सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और कलर तो चाहिए ही सब्जी में इसलिए काश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारी चीजों को फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे ही सब्जियों को हम भून लेंगे लगभग 5 मिनट तक, इससे सब्जियां मसालों के साथ अच्छे से भून भी जाती हैं और सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आता है। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए सब्जियां बहुत ही अच्छे से भून गई है। तो लास्ट में हम इसमें डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। ढक देंगे और ढककर सब्जियों को पकने देंगे थोड़ी देर तक। तो चलिए चेक कर लेते हैं सब्जियों को। तो यहाँ पे सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं क्योंकि इसमें जो सब्जी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है वही सब सब्जियां थी, जैसे गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, सब बहुत जल्दी पक जाता है। लास्ट में डाल देंगे हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे, उसे भी मिक्स कर लेंगे और लास्ट में सबसे लास्ट में इसमें जाएगा पनीर क्यूब्स। तो यहाँ पे थोड़े से पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं मैंने, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और सारी सब्जियों को कर लेंगे मिक्स। पनीर को सबसे लास्ट में ही डालिएगा जिससे मतलब ये टूटे उठेगा नहीं और टेस्ट बरकरार रहता है। तो बस सारी चीज़ों को कर लेंगे एक बार मिक्स और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज बनकर के रेडी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।